दिल्ली में मेजोरिटी के साथ फिर एक बार अरविंद केजरीवाल ने सरकार बना लिया है, लेकिन उनका सरकार बनाने के पीछे ये पांच क्या रीजन है मैं आज आपको बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं साइंस स्टडी मीडिया। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात था, उन्होंने वोट मांगा था डेवलपमेंट के ऊपर, अगर उस काम उन्होंने नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने लोगों में एक कॉन्फिडेंस कर दिया था कि मैंने आपको आपके लिए काम किया है, इसलिए आप डेवलपमेंट के ऊपर वोट दीजिए। पॉइंट नंबर टू, अमित शाह ने जो सीसीटीवी कैमरा के ऊपर जो एक स्पीच दिया था, वो उन लोगों का एक नेगेटिव इफेक्ट फैलाया है, क्योंकि जबकि उसने खुद ही बोल रहा है कि सीसीटीवी कैमरा नहीं हुआ है, लेकिन अमित शाह का फोटो फुटेज लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया, तो ये उन लोगों के लिए एक नेगेटिव इफेक्ट फैलाया था बीजेपी के लिए। और तीसरा बात यह है कि जो उन लोगों का जो गोली मारो तो, जो उन लोगों का जो ये एक स्पीच था, और अरविंद केजरीवाल को जो टेररिस्ट कहने का जो स्पीच था, इस दो स्पीच ने लोगों के बीच बहुत ही बुरा इफेक्ट फैला, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने लोगों को ये बोला कि भाई कि आप लोग मुझे आतंकवादी मानते हो या आप लोग मुझे अपना बेटा मानते हो, तो इस तरह का स्पीच उनका जो बात था लोगों में इफेक्ट फैला है कि सच बात तो यह है कि क्या कोई आतंकवादी 10 साल से हमारा स्टेट चला रहा है, ऐसा हो सकता है कभी। चौथा बात यह है कि शाहीन बाग, बीजेपी ने बहुत सारे कोशिश की कि लोगों को हिंदू मुस्लिम में या तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में बांटा जाए, लेकिन नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी ने बहुत ही चालाकी से काम लिया, उन्होंने कभी भी शाहीन बाग के ऊपर बीजेपी ने जो कोशिश की कि शाहीन बाग को एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरफ खड़ा किया जाए, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी उस पर नहीं आए। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि उन लोगों का कहना है कि हम अमित शाह से मिलना चाहते हैं, ये तो हम जो सरकार है केंद्रीय सरकार उनसे मिलना चाहते, वो लोग तो मुझसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब शाहीन बाग के ऊपर उन लोगों का टिप्पणी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि बीजेपी चाहता था कि हम इसके जरिए से एक ध्रुवीकरण का राजनीति करें, मतलब एक पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स करें, लेकिन बीजेपी उस पर कामयाब नहीं हो पाए। नंबर फाइव, और सबसे मेरे दिमाग में जो आता है, इसने महिलाओं में ज़्यादा जो प्रभाव फैलाया था वो ये है कि बास भाड़ा, जब बास भाड़ा अरविंद केजरीवाल ने फ्री कर दी, तो ज़्यादातर महिलाओं ने और जरूर अरविंद केजरीवाल को वोट दिया होगा, ये मेरा राय है। तो आपका क्या राय है अरविंद केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल का फिर सरकार बनाने के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, आपका राय भी कमेंट करके बताइए।